Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिम्फाइला, जो कि सब फाइलम माइरियापोडा की डिवीजन है और इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्लास सिम्फाइला की 160 स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं और इनका कॉमन नेम क्या है? सिम्फाइलिट्स, या फिर इन्हें गार्डन सेंटीपेड्स भी कहते हैं। ठीक है, इनका हैबिटेट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है? ये सॉइल में रहती हैं। ठीक है, और लेंथ जो अभी तक स्मॉलेस्ट सिम्फाइलिट्स देखे गए हैं उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और जो लार्जेस्ट सिम्फाइलिट देखा गया उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या है, इनकी बॉडी डिवीजन कैसे है, बॉडी डिवीजन पहले देखते हैं। तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये देखिए आप सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड है। ठीक है, इनकी बॉडी टू डिवीजन्स होती है, फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड वन इज ट्रंक। टोटल इनकी बॉडी में कितने सेगमेंट्स होते हैं? टोटल इनकी बॉडी 14 सेगमेंट्स पे कंसिस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेंडिजेस की। अपेंडिजेस की इनके पास जब ये लार्वल स्टेज पे होते हैं तो इनके पास 6 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये ग्रो करने लगते हैं तो इनमें मोल्टिंग का प्रोसेस होता है। मोल्टिंग जब अगेन एंड अगेन मोल्टिंग होती है तो जब ये अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो इनके पास 12 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं फॉर द मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इनके पास आइज देखें तो आइज इनके पास एबसेंट होती हैं। इनके पास आइज कम्प्लीटली एबसेंट होती हैं, लेकिन इनके पास पेयर ऑफ एंटीना होता है, एंटीना से ये, और इसके साथ से इनके पास कुछ सेंसरी हेयर्स भी होते हैं। ठीक है, एंटीना के थ्रू ये अपने प्रे को कैच करते में हेल्प करते हैं और साथ प्रीडेटर से बचते भी हैं। ठीक है, लंग्स भी इनके पास एब्सेंट होते हैं, लेकिन लंग्स के रिप्लेसमेंट के लिए इनके पास होते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या है? स्पाइरिकल्स होल्स होते हैं इनकी बॉडी की साइड्स पे, जिनके थ्रू कार्बन ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी को लीव करती है। ठीक है, इनके पास पिगमेंट भी एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी हर वक्त ग्लो करती रहती है। ठीक है, इनकी बॉडी का कोई कलर नहीं होता। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल, ऐसे सॉफ्ट बॉडी है इनकी। ठीक है, मूवमेंट इनके पास सॉफ्ट, छोटी सी स्मॉल बॉडी होती है और लेग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे ये फास्ट मूवमेंट, ठीक है, फास्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बहुत सी इनकी करेक्टरिस्टिक्स सेंटीपेड्स से सिमिलर करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिम्फाइलिट्स में डाइट क्या होती है, फीडिंग ये किस 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 चीज़ पे फीड करते हैं, डाइजेशन इनमें कैसे होती है और एक्सक्रीशन कैसे होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिम्फाइलिट्स आर ओमनिवर्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स के सॉफ्ट टिश्यूज पे फीड करते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल पे फीड करते हैं, और इसके अलावा ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी फीड करते हैं। नेक्स्ट, डाइजेशन इनमें कैसे होती है? डाइजेशन के लिए इनके पास एक डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक है क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक एक एलिमेंट्री केनाल है। एलिमेंट्री केनाल एक सिंपल ट्यूब है जो कि लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है। ये ट्यूब माउथ से शुरू होती है और एनस में एंड होती है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर ही 2 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंजाइम्स और हार्मोन सिक्रेट करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए, ये सारी डाइजेशन जो होती है ना, ये इसके एलिमेंट्री केनाल के अंदर ही होती है। ठीक है, इन ग्लैंड्स के अलावा इसके अंदर बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि फूड को ब्रेक करते हैं टू गेट एनर्जी। ठीक है, एक्सक्रीशन, सिम्फाइलिट्स में मेलपीजियन ट्यूब्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में कैसे होती है? मेल स्पीशीज होती हैं जो सिम्फाइलिट्स की, वो स्पर्मेटोफोर इमिट करती हैं अपने वेब में। वो पहले एक वेब कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ग्लैंड्स को यूज करके, उस वेब के अंदर स्पर्मेटोफोर इमिट करते हैं, या फिर कभी कभी ग्राउंड पे भी करते हैं। ठीक है, फीमेल सिम्फाइलिट्स स्पर्मेटोफोर को फाइंड करती हैं और उसे अपने गोनोफोर में प्लेस कर लेती हैं। एक वक्त में फीमेल सिम्फाइलिट्स 4 to 25 eggs ले करती हैं। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर गेटिंग नॉलेज। अल्लाह हाफिज़।